बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। एक अहम टॉपिक पर आपसे इस वीडियो में गुफ्तगू करूंगा। अक्सर मैं जो पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी के वाक़यात होते हैं उसके ऊपर आप लोगों के सामने अपना तज़िया, अपना ओपिनियन और वो वाक़यात के जो हकीकत होती है उसका पस मंज़र जो है वो आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा ही एक वाक़या दो से चार दिन कबल बनू के इलाके डुमेल में पेश आया। बनू केपीके का एक अहम तरीन तहसील है, एक अहम तरीन शहर है और वहाँ पर एक इलाका है डुमेल। ये वाक़या वहाँ पर पेश आया कि एक उस्ताद है, प्रोफेसर है, स्कूल के टीचर है जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और वो काफ़ी अरसे से अपने इलाके में बायोलॉजी की टीचिंग कर रहे हैं। इसी असना में जब वो अपने क्लास में बायोलॉजी में लेक्चर दे रहे थे एक टॉपिक के ऊपर, नज़रिया इर्तका के ऊपर कि इंसान कैसे, इंसान की तख्लीक कैसी हुई, जो कि एक साइंसदान डार्विन की एक थ्योरी है, वो पढ़ा रहा था वहाँ पर। और उसके बाद उसी क्लास के दौरान वो वहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, लड़कियों की तालीम के हकूक़ के हवाले से, लड़कियों की तालीमी इदारों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो कुछ बच्चे जो कि मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने अपने कायदीन को इस बारे में इतला दी कि ये शख्स जो है हमें गुमराह कर रहा है और ये हमें बता रहा है कि इंसान जो है वो बंदर से इंसान बना है, ना कि आदम अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान बनाकर भेजा मिट्टी और पानी से। खैर, हम सब मुसलमानों का यही ईमान है, यही हमारा नज़रिया है, यही हमारा अकीदा है कि इंसान को मिट्टी और पानी से बनाया गया। दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन चूँकि साइंसदान ने एक थ्योरी पढ़ाई हुई है वो वहाँ पर ये थ्योरी, ये सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ा रहे थे कि इसको आप अपने ईमान का हिस्सा बनाएं, बस इसलिए पढ़ा रहे थे कि कल को अगर कोई आपसे ये पूछे कि डार्विन की थ्योरी क्या है तो आप इस बताने काबिल हो कि डार्विन की थ्योरी ये है। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं था। डॉक्टर प्रोफेसर शेर अली को इसके बाद जो इलाके की मजहबी तनजीमें हैं, जो एक मसलक है जिसको देवबंद कहा जाता है, उनके उलमा ने उस शख्स को गिरफ्तार किया अपने तौर पर, मावरा अदालत कानून से हटकर उस शख्स को अपनी कस्टडी में लिया, जोर ज़बरदस्ती उस शख्स से बयान दिलवाया और उसकी तजदीद ईमान करवाई। और वो एक नहीं बल्कि दो तीन सफात पर स्टाम्प पेपर मौजूद है जो इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 10 निकाती एजेंडा लिखा गया, अकीदा लिखा गया। उस अकीदे को उस प्रोफेसर साहब ने उलमा की महफिल में बैठ कर पढ़ा, उस पर हलफ उठाया, एक हलफनामा दिया, यानी उसकी तजदीद ईमान की गई। इसका मतलब ये हो कि केपीके में, बन्नू में या पाकिस्तान में जिस किसी को भी इस्लाम का सर्टिफिकेट लेना हो वो उलमाए देवबंद के पास जाएंगे, उलमाए देवबंद जो उनको लिख के देंगे वही पढ़ना पड़ेगा, यही स्टाम्प पेपर बनेगा और इस स्टाम्प पेपर के बाद वो बंदा मुसलमान हो सकता है, उसके अलावा कोई मुसलमान नहीं होगा। मुझे बज़ाहिर यही नज़र आता है, ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है। आप लोग इस बारे में जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस स्टाम्प पेपर के बाद हम तमाम 22, 23, 24 करोड़ जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उन लोगों को उलमाए देवबंद के पास बनू में जाना पड़ेगा, उनसे स्टाम्प पेपर पे लिखवाना पड़ेगा और उस स्टाम्प पेपर पे हमें दस्तखत करने पड़ेंगे, फिर एक वीडियो बयान जारी करना पड़ेगा और उस वीडियो बयान के बाद जनाब हम मुसलमान हो सकते हैं, वरना हम मुसलमान नहीं होंगे। इससे पहले भी प्रोफेसर शेर अली साहब जो है वो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, बच्चियों की तालीम के हवाले से मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ जगहों पर गुफ्तगू किया करते थे। और एक दिन ऐसा आया कि जब उनकी गाड़ी में गालबन एक बम रखा गया और वो उस धमाके के नतीजे में उनकी टांग ज़ख्मी हुई, उसके बाद उनका ऑपरेशन किया जाता है, इलाज मुआलजा होता है, लेकिन उनकी एक टांग जो है वो काट दी जाती है। इस वक्त वो अपनी एक टांग से महरूम हो चुके थे, बिल्कुल उनके पास किसी किस्म का कोई सहारा नहीं था और वो फिर भी अपने सब्जेक्ट को, अपने लेक्चर्स को दिया करते थे, पढ़ाया करते थे। उनको उनके मनसब से ये धमाका, ये धमकियाँ, ये जो धौंस होती है ये बिल्कुल नहीं हटा सकी। लेकिन उसके बाद अब ये सिचुएशन पहुंच चुकी थी कि शेर अली साहब चूँकि एक पांव पर थे तो उलमा के सामने उनको खौफजदा होना पड़ा, उनको डरना पड़ा और डर के मारे, खौफ के मारे उनको एक स्टाम्प पेपर एक बड़ी मजलिस में कैमरे के सामने, इंटरनेट पर ये वीडियो के फुटेज वायरल होती है, उनको पढ़ना पड़ा और तजदीद ईमान करवाना पड़ा। आप लोगों की इस हवाले से जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।